एक बारी नहीं बार बार दिल विच तेरी याद लगी याद विच यादा दी बहार ते पता भी नहीं लगिया केड़े वेले तेनू गवाना ते आखे लग लग के मैं बैठा दिल की गल सुन सुन के रुक बैठा और तारे गिड़िया च तेरी मैं तो जागा रखा गिड़िया च तेरी मैं तो जागा रखा रोक नवा चोरिया बरसातान अच्छा पाजी का एक किस्सा याद आया कि भाई ने बोला था कि उन्हें कि सबको कि लास्ट गाने में शेव करनी है क्लीन। अच्छा तो भाई ने बोला कि देखो सबको तीनों को लास्ट गाने में शेव करेंगे। जस्सी पाजी हाँ जी सर करेंगे 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 वहाँ बोल के आगे वैनिटी में परेशान बैठे हैं। मैंने भाई पाजी क्या हो गया, पानी पी लो, लो जूस पी लो, क्या हो गया? अरे यार वो भाई ने शेव के लिए बोल दिया। मैंने जिंदगी में कभी शेव नहीं की, शेव करके ना मैं बहुत बड़ा लगता हूँ, वर्जिन वर्जिन आदमी है। ठीक है तो एक काम करूंगा राघव, मैं ना क्या करूंगा, मैं ना 3 नंबर का ट्रिमर मार दूंगा, भाई को बोलूंगा मेरे ना रेजर से एलर्जी है। ठीक है और मैं बोल दूंगा ना, और तू भी ना मेरा साथ दे देना। मैंने कहा पाजी कैसी बात कर रहे हो, दोस्त नहीं हो? अब अगले दिन गए सब शेव वेव, हमने तो शेव वेव करा दी, तो पाजी गए 3 नंबर का ट्रिमर मार के। वहां पहुंचे तो पाजी वहां खड़े हुए कि भाई मैंने शेव कर ली, मैंने ना मैनू बहुत दर्द होता पाया था, पूरा रेजर से ना मैंने एलर्जी होती पई है, ये होता पाया था, वो होता पाया था, रैप शुरू हो गया वहां पर। तो मैंने चुपचाप आगे बोल दिया भाई को, भाई नहीं मेरे पास 0 नंबर का ट्रिमर है, वो एकदम शेविंग का इफेक्ट देता है, पीछे ले लो अपना ट्रिमर, पीछे ले लो, तुम शॉर्ट हो गए। तो वो एक पाजी की बात याद है मुझे। सही बोला, मैं जो बोला था वो बोला। कह रहे
एक नंबर का ट्रिमर हो, तीन नंबर का ट्रिमर हो, पिछवाड़े पे ले ले तू। पर जब आपको पता चला आप सलमान भाई के साथ फिल्म कर रही हैं, तब आपको आइडिया तो लग गया होगा कि अब मैं जाऊंगी कपिल शर्मा शो में, हैं? सच बताओ, नहीं नहीं लगा था क्यों? आपको इन्होंने बोला नहीं था कि मैं लेके जाऊंगा आपको? बहुत रिक्वेस्ट की, इतनी बड़ी कास्ट है, पता नहीं होता ना कौन आ रहा है कौन नहीं। प्रे कर रही थी, मैनिफेस्ट कर रही थी कपिल शर्मा का शो। देखिए तो आप मैनिफेस्ट करो चीज़ें। इनको सेट पे जितने भी हमारे ड्रेस दादा हैं, स्पॉट दादा हैं, लाइट मैन जो भी, इनको वनीला बुलाया करते थे। अच्छा। हाँ, वनाली इनसे, वनाली इनसे प्रोनाउंस नहीं किया जाता था। पहले मैं एक चीज बात बोलना चाहती, मेरा ना सर दुख रहा है तुम्हारे एसी से। इतना पैसा है प्रोडक्ट, माना सलमान सर की प्रोडक्शन हाउस का है, लेकिन सीधा एसी की हवा कहाँ से आ रही है? आपके ऊपर एक्चुअली पूरा वो डक्ट है, आप वहाँ जहाँ। कैन यू प्लीज मैनेज, आपको कैन यू सिट हियर, आई विल सिट इन द अनदर द डक्ट। कम कम सिट हर जगह। हाँ ये ठीक है, यहाँ ठीक है। I will tell you after. मुझे कोई नहीं पूछ रहा, मैंने जगह चेंज की, मैं ठीक हूँ कि नहीं। थोड़ी देर में बताऊंगी। ओके ठीक है भाई, आप बैठोगे नहीं आज? ठीक है। आप सबके कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो आप अपने फैंस के लिए पोस्ट करते हैं, नीचे बड़े मजेदार कमेंट्स करते हैं, दिखाना चाहते हैं मैं आपको, देखिए जरा। हैप्पी बर्थडे हमारे, ये सलमान भाई ने फोटो डाला है, हैप्पी बर्थडे हमारे बॉक्सर भाई विजेंद्र जो आज यहाँ पे नहीं है, सब ने मुक्का बना रखा है। आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। दुल्हन के पिता ने कहा है जो अच्छा गाएगा उसे ही माइक मिलेगा। खून देने के बाद नर्स सबको ऐसे ही हाथ रखने को बोलती है। इसने इसको रिप्लाई किया, लगता है इन चारों ने राघव को ही खून दिया है। और आगे दिखाइए, सलमान खान सबको शपथ दिलाते हुए कि कोई भी शादी नहीं करेगा। और दिखाइए, पूजा जी ने ये फोटो डाला, हेज वन हैप्पी फ्रूट पिकअप फॉर यू, वेरी नाइस पिक्चर। ये कहाँ पे आप? लंदन में। लंदन में फल तोड़ती हैं आप? वाह। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। लड़कियां ऐसी ही होती हैं, फल तोड़ के टोकरी में रखती हैं, घर लाकर धोती हैं, फिर खाती हैं। लड़के तो सीधा तोड़कर पत्तों के साथ खा लेते हैं। ऐसी लड़कियों को मालिक कुछ नहीं कहता, हमारे पीछे तो कुत्ते छोड़ देता है। और दिखाइए। राघव ने ये फोटो डाला, आइस बात। आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। थाइस तो ठीक है, चेस्ट बनाना पड़ेगा। बाइसेप बनाने पड़ेंगे, ट्राइसेप भी रहने दो, बहुत काम है। ये सलमान सर की कमेंट है। जब दो दोस्तों में एक टॉवल हो तो समझ नहीं आता कौन पहनेगा कौन पहुंचेगा। धन्यवाद आपके विचारों के लिए। वाँ वाँ वाँ। और दिखाइए, रागनी एमएमएस का तो सुना था, लगता है अभी राघव एमएमएस की चल रही है। किसी ने लिखा है, हिम्मत है तो बर्फ पे लेट के दिखाओ। तू घर बैठ के कमेंट करता रहे। और दिखाइए आगे, शहनाज ने फोटो डाला है, स्पा टाइम, हैशटैग ऑफ, फिर रोडिंग लिखा है। शहनाज ये कहाँ की फोटो और क्या कर रही है? बताओ शहनाज, ये मुझे ऑफ रोडिंग लेकर गया था। अच्छा, वो तो गाड़ी फंस गई हमारी, तो वहाँ गाड़ी फंस गई, जेसीबी ने बुलाया था। तू बोल ले, मेरी फुटेज सारी तू ले ले। नहीं सॉरी। तो मुझे ऑफ रोडिंग कर, मैंने कभी किया नहीं। अच्छा। की नहीं थी, तो मुझे था कि करवा दे यार ट्रिप ट्रुप, तो इसने मुझे ऑफ रोडिंग कराई और मैंने पूरा मजे लिए वहाँ पे। गाड़ी अंदर घुस गई, मैंने कहा कौन सी मेरी गाड़ी है, चुप करके बैठो फोटोशूट कराओ। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। मेरा कीचड़ कीचड़ तुम्हारा कीचड़ स्पा। मुझे समझ नहीं आ रहा, पीछे जो क्रेन है वो कार को उठाने आई है शहनाज को। लगता है जेबीसी की खुदाई में आज शहनाज निकली है। सुंदर लड़की की गाड़ी फंस जाए तो 10 लड़के निकालने आ जाते हैं, लड़के की खराब हो तो कहते हैं बेवड़ा पी के चला रहा है। और दिखाइए, नीचे कमेंट्स देखते हैं। आइए, घर की काली चादर में भी इंसान ऐसी हरकत नहीं करता जैसे होटल की व्हाइट चादर पे हरकत करता है। भाई जूते बेड पे रखे बैठे हो कोई बात नहीं,
चद्दर फाड़ के कोट की जेब में डालनी नहीं चाहिए थी। कुछ गेस्ट गेट पे डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा के अंदर ऐसी हरकतें करते हैं। और दिखाई रिफ्लेक्टिंग इन दुबई, ये सीढ़ियां कहाँ जा रही भी, इतनी सादा सीढ़ियां। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ओहो, हिंदी में आया कमेंट, अति सुंदर छवि मृगनैनी है ब्रह्मांड सुंदरी हे चित्रलोका, तुम्हारे मात्र छवि दर्शन से ही हृदय अति प्रफुल्लित हो जाता है। हम कभी कभी विचार करते हैं यदि साक्षात आपके दर्शन होंगे तो कहीं मेरे प्राण ना निकल जाएं। अच्छा वो एड़ो नारायण नारायण नहीं बोल। किसी ने नीचे रिप्लाई किया उसी को, हे प्रभु आप इसी युग के हैं या त्रेता युग से है? मैं अभी उम्र के उस पड़ाव पे हूँ जहाँ मुझे आप और आपकी मम्मी श्वेता तिवारी दोनों अच्छी लगती हैं। द वीकेंड इज हियर, सुखबीर पाजी ने फोटो डाला है। ये क्या बात है, सुखबीर पाजी कहाँ की फोटो है? ये लंदन की फोटो है। अच्छा जी, वहाँ कोई नहीं रोकता ऐसा करने से। वो चेरी तोड़ रही थी सुखबीर पाजी, खंभा तोड़ रहे हैं। वीकेंड की तस्वीर मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे शोज है, इसलिए ये मौज में, उसी मौज में। आइए नीचे कॉमेंट देखते हैं। भाई इतनी खुशी सिर्फ वीकेंड की है या वीकेंड पे गर्लफ्रेंड भी है? मेरा दोस्त भी ऐसी ही हरकतें करता था, फिर एक दिन उसे पुलिस ले गई। इनकी जब उतरेगी तब इनको समझ आएगा ये किसी लड़की के साथ नहीं पोल के साथ नाच रहे हैं। बिनाली ने फोटो डाला है। बिनाली ये क्या लिखा है? वेकेशंस। अच्छा, अलग तरीके से दिखाइए नीचे कमेंट। पीछे वेटर मैनेजर को बता रहा है ये मैडम रोज आती है, कुछ ऑर्डर नहीं करती, फोटो खिंचा के चली जाती है। अरे यार, अगर आपका बॉयफ्रेंड नहीं आया तो उदास ना हो, आप मुझे अपना बॉयफ्रेंड कंसीडर कर सकती हैं। इसको किसी ने रिप्लाई किया, मेरा मालिश करने वाला भी नहीं आया। क्या बात है। और दिखाइए, सिद्धार्थ ने ये फोटो डाला है। The little things, the little moments, they are not little. He is a little. ये ऊंट आपको little लगता है? तो बेटे क्या होता है? मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ऊंट क्या है? अपनी बात कर रहा हूँ। कहाँ की फोटो सिद्धार्थ? राजस्थान। राजस्थान की? नहीं नहीं सॉरी, जयपुर। अरे राजस्थान में क्या बदलाव किया? नहीं 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 सॉरी, अरे नहीं भाई जयपुर नहीं। अरे मेरा दोस्त कहाँ रहता है? जैसलमेर। जैसलमेर सॉरी। सिद्धार्थ क्या हो गया तुम्हें? एक बार को तो मैं भी कंफ्यूज हो गया। इतनी कन्फ्यूजन के साथ जैसलमेर ये हैं? आप ही आ जाओ इधर। पुष्कर भाई थैंक यू। पुष्कर भी राजस्थान में है? नहीं नहीं सर, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा हूँ जहाँ मैं गया। ओके ओके, आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ऐसे ही लोग लिटिल लिटिल बोल के पूरा खंबा खत्म कर देते हैं। ऊंट सोच रहा है ऊंट तो मैं हूं, फिर ये इतना तैयार क्यों हुआ है? मैंने भी जैसलमेर जाके ऐसी ड्रेस खरीदी थी, बाद में काम नहीं आई तो तकिए का कवर बना लिया। भाई इसके मुंह से दूर ही रहना, ये फुर करेगा आपके मुंह का शावर हो जाएगा। ओह ये भाई ये कहाँ का फोटो है? आपके फार्म का? आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ये जमीन पे ही नहीं पानी में भी मछली पकड़ लेते हैं। कर रहा था मछली पकड़ रहा था। हम कच्छा पहन के पानी में कूदते हैं तो उसमें हवा भर जाती है। आप सलमान खान हो, आपके साथ भी ऐसा होता है? किसी ने उसको रिप्लाई किया, कच्चे को थोड़ी पता है उसके अंदर सलमान खान। एक बार मैं ऐसे ही नहा रहा था, कोई मेरे कपड़े ले गया, फिर मैं अंधेरा होने में बाहर आया। धन्यवाद आपने जो मसाला दिया, इसकी बायोपिक बन सकती है। और दिखाइए, इनको सारे कपड़े उतारने में शर्म आ रही थी इसलिए इन्होंने टोपी नहीं उतारी। और दिखाइए। मे लुक लाइक इट बट डेफिनेटली नॉट चिलिंग। क्या बात है। आइए नीचे कॉमेंट्स देखते हैं। छह पाप तो मेरे पास भी हैं, आपके पेट के ऊपर हैं, मेरे पेट के अंदर हैं। सर मुझे पता चला है आपका कपड़ों का भी ब्रांड है, फिर पहनते क्यों नहीं?
लगता है सुहेल भाई आज फिर इनकी टी शर्ट पहन के चले गए। और दिखाइए, खत्म।